सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशी एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? एक आप बन चुके हैं, ये बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। लाइक कैंडिडेट्स हैव डाउट्स अंशी में, इंडियन नेवी एमआर का मेरिट कब आएगा, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट आया, मेन टॉपिक यही है। अगर आपका इन दोनों से रिश्ता नहीं है तो आप वीडियो देखो चाहे ना देखो, ठीक है भाई। कोई डाउट आ रहा हो तो बता दीजिएगा, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। और बैकग्राउंड में वॉइस आएगा थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। दोनों रिक्रूटमेंट्स के बारे में जल्दी से डिस्कस कर लूँगा, मतलब एक रिक्रूटमेंट का और एक फाइनल रिजल्ट का, इंडियन नेवी एमआर का। आप सभी का डाउट आ रहा है भैया, एक तो पहले नेवी एमआर मेरिट की बात कर लेते हैं। दोनों के लिए अलग अलग स्पेसिफाइड वीडियोस बनाए जा सकते थे, बट ऐसा कुछ प्लान नहीं था। मैंने कहा चलो एक ही पे दोनों चीज़ों के बारे में शॉर्ट में शेयर कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, इंडियन नेवी एमआर मैट्रिक रिक्रूट्स का फाइनल मेरिट लिस्ट आना है, उसके बाद रिक्रूटमेंट भी आना है। अब तो न्यू रिक्रूटमेंट की बात कभी और बाद में करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं भैया कब आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन पे भी लिखा हुआ था फरवरी 2022 पे आपका जो मेरिट लिस्ट है आ जाएगा। चलो वो तो हम कर देते हैं कैंसिल। जो लोग अब दे के आए थे फिजिकल, आपने क्लियर किया होगा, आपने रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया होगा, और आपको पता नहीं है आपका क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ, या लास्ट टू टाइम से होने लगा है, पता है भाई? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इंडियन नेवी कर क्या रही है, एग्ज़ाम कंडक्ट करा लीजिए, बताती नहीं आप पास हुए कि नहीं। फेल होते हो अगर रनिंग में तो आप फेल हो, अदरवाइज आपका मेरिट लिस्ट में सीधा नाम आता है। तो जिनका भी आना है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, क्योंकि आज 22 तारीख है और फरवरी में आना है, तो किसी भी दिन आ सकती है, किसी भी दिन आ सकती है। अगर वो सही वे से सिस्टमेटिक वे से चलते हैं, जैसा कि उन्होंने डबल का बोला था उसी दिन आ गया था, तो मुझे भी लगता है कि फरवरी मान लो एंड मान सकते हो, 2-4-5 दिन और मान सकते हो, अदरवाइज आपका इसी वीक में आपका आ जाएगा, ठीक है। इंडियन नेवी एमआर का फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट, जिन कैंडिडेट का लिस्ट में नाम होगा उनको चिल्का जाने का मौका मिलेगा, और फिर उनका प्री 7 days का क्वारंटाइन, देन आपका मेडिकल एग्ज़ाम, फंसते हो तुम रीमेट कर जाओ, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये इंडियन नेवी एमआर मेरिट का क्लियर हो गया, अगले एक हफ्ते के भीतर मैक्सिमम आपका आ जाएगा, और मे भी आज कल 1-2 दिन में भी आ सकता है, जैसा कि उन्होंने आपका वो कागज़ भी दिया होगा। जिन कैंडिडेट्स ने लाइक क्लियर किया ना, उनको एक मतलब कागज़ टाइप में मिलता है नेवी पे, उसमें लिखा होता है, ये नहीं लिखा होता कि इतनी तारीख को आएगा, उसमें लिखा होता है इतने घंटे बाद आएगा, ठीक है। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सेकेंड आ जाते हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। ITI होना ज़रूरी है, ITI होना ज़रूरी है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का, जिसमें लगभग 1520 या 30 पोस्ट है, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं है, लेकिन 1500 से ज़्यादा पोस्ट हैं, अलग अलग ट्रेड्स हैं ITI की, जैसे फिल्टर होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, पेंटर होता है, और ऐसी बहुत सारी ट्रेड्स होती है, तो उनमें से आपका कोई भी एक ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने किसी भी एक ट्रेड से कर रखा है ITI, और आपके पास लाइक उस ट्रेड में तो आपका लाइक कमांड है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फिलिंग कल से स्टार्ट हो चुका है, कंपटीशन बहुत कम होगा, क्योंकि आप सभी जानते हो उसमें ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। पहला नंबर ITI नहीं है तो नहीं कर पाएंगे ना, ऐसे तो है नहीं कि 10+2 पास हुए फॉर्म फिल कर दिए, ITI वाले कैंडिडेट ही फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, मार्च में उसका लास्ट डेट है, बट उस लास्ट डेट को ध्यान में न रखते हुए जिनके पास ITI है वो उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, अतवे जिनके पास नहीं है भाई आप किसी दूसरी चीज़ की तैयारी कर लो, वेट कर लो यार। मतलब थोड़ा सा लगता है कि लाइक जो कैंडिडेट सभी प्रिपरेशन करें उनके साथ में बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं, होप कर सकते हैं कि आगे सब कुछ बेटर हो, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। मैंने दोनों चीज़ों को सॉफ्टवेयर से क्लियर करने की कोशिश की। एक बात और आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ, पढ़ाई कर रहे हो अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हो, अनअकैडमी इंडिया का टॉप लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, तो उसके साथ में जुड़ सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन चाहिए भाई, सिंपल सा है यार, कोई भी प्लस कोर्स करोगे ना तो वहाँ पे फिर कुछ एक अलग ही वे से आपको पढ़ाई का, और आपको भी लगेगा कि हाँ पढ़ाई करें, मेरे रुपये लगें किसी चीज़ में, ठीक है। और ऑनलाइन ऑफलाइन से बेटर ही है, आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी है कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिए। कोर्स बाई करना हो तो बाई कर लीजिएगा, कोड ऑनलाइन D50 ONLINE D50, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, कोई सजेशन एज अ ब्रदर एज अ फ्रेंड डेफिनेटली यू कैन आस्क, टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव अ डाउट आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।